तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देख लीजिए, टिकटॉक तो बैन हो चुका है प्ले स्टोर पे से और एप्पल ऐप स्टोर ने टिकटॉक को जो है डाउनलोड करने से हटा दिया है। अब आप एप्पल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड को नहीं कर सकते टिकटॉक को। अब टिकटॉक के बाद एक और बात सामने आई है कि अब पबजी का क्या होगा, जिसका मामला पहले से ही चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्या पबजी होगा बैन, क्या टिकटॉक का जो ये असर है ये पबजी पर भी पड़ेगा, टिकटॉक बैन होने के बाद क्या पबजी भी हो सकती है बैन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या पबजी हो सकती है बैन, तो इस बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि टिकटॉक जो ऐप है उसको एप्पल ऐप स्टोर ने और प्ले स्टोर ने हटा दिया है, तो कोई भी यूजर्स इन ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता। थोड़े दिन पहले ही मद्रास कोर्ट का आदेश आ गया था कि इन ऐप को बैन किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। और इसके बाद अब पबजी का मामला है कि क्या पबजी भी बैन हो सकती है टिकटॉक के बाद। तो वैसे तो पबजी बैन तो अभी नहीं होगी शायद, और अब जो टिकटॉक का जो ये मामला है ये 22 अप्रैल को इसका फैसला आने वाला है कि टिकटॉक को बैन किया जाएगा या फिर या तो टिकटॉक बैन हो जाएगा या फिर टिकटॉक का नया वर्जन आ सकता है 22 अप्रैल को। अब यही देखना होगा कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।